हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। माय नेम इज़ डॉक्टर रितु। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में, जो कि एक पॉलीक्रेस एंड डीप एक्टिंग मेडिसिन है, और इस मेडिसिन का नाम है आर्सेनिक एल्बम। ये मेडिसिन की पूरी ड्रग पिक्चर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और इसीलिए इसके दो वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगी, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट है, सिम्टम्स हैं, मैं बिल्कुल मिस नहीं करूँ, क्योंकि कुछ टाइम लिमिट होती है। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो वो देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं लगेगी, इसलिए मैं आपको दो वीडियोज़ में इसका पूरा कंसेप्ट समझाने वाली हूँ। तो आई रिक्वेस्ट कि आप इसको पूरा एंड तक देखिए और आपको आर्सेनिक एल्बम पूरी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। आर्सेनिक एल्ब की हम बात करें तो ये होम्योपैथी की ऐसी मेडिसिन है, या वन ऑफ दोज मेडिसिन है, कि जो बहुत ही डीपली एक्ट करती है, जिसका हर एक ऑर्गन और हर एक टिश्यू पे बहुत वास्ट एक्शन है। दैट मीन्स इसका एक्शन, स्फीयर ऑफ एक्शन बहुत जनरलाइज्ड है। कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स से हम इस मेडिसिन की शुरुआत करेंगे। अगर हमें ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बाय हार्ट लर्न हो जाते हैं तो हमें आर्सेनिक एल्ब को समझने में, उसके एक एक पर्टिकुलर्स जानने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो पूरा जो है उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के आसपास घूमती रहती है। तो चलिए बात करते हैं उन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के बारे में। आर्सेनिक एल्बम एक प्रोफाउंडली एक्टिंग मेडिसिन है, जो हर टिश्यू पर, हर सेल पर, हर ऑर्गन पे काम करती है, और ये अपने कुछ की फीचर्स शो करती है, जिसमें सबसे पहला की फीचर है बहुत ज़्यादा थकावट, जिसे हम डेबिलिटी भी कह सकते हैं, जिसे हम फ्रस्ट्रेशन भी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा थकावट, बहुत ज़्यादा वीकनेस, इसका एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। देन सेकेंड इम्पॉर्टेंट फीचर जो है वो है इसकी बेचैनी और घबराहट, जिसे हम कहते हैं रेस्टलेसनेस एंड एन्जाइटी। रेस्टलेसनेस एंड एन्जाइटी के लिए सबसे पहली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्ब, जो हर एक होम्योपैथी फिजिशियन के दिमाग में ज़रूर आती है, बिकॉज दिस इज़ द टॉप मोस्ट मेडिसिन जो बेचैनी और घबराहट के पेशेंट्स में दी जाती है और बहुत अच्छा काम करती है। थर्ड इम्पॉर्टेंट की फीचर की बात करें तो थर्ड इम्पॉर्टेंट की फीचर है इसका बर्निंग पेन्स। बर्निंग पेन के लिए डॉक्टर ईबी नैश ने अपना एक ट्रायो बनाया था, और उस ट्रायो में तीन मेडिसिन आती हैं, जिसमें फर्स्ट है सल्फर, सेकेंड है फॉस्फोरस एंड थर्ड इज आर्सेनिक एल्ब। नाउ ये जो तीनों मेडिसिन है, इसमें बर्निंग बहुत कैरेक्टरिस्टिक है। आर्सेनिक एल्ब में बर्निंग पेन्स बहुत ही ज़्यादा हैं, हर एक ऑर्गन में बर्निंग पेन्स होते हैं, और इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इसके जो बर्निंग पेन्स हैं वो रिलीफ भी गर्म चीज़ों से होते हैं। सो बर्निंग पेन्स विच आर रिलीव्ड बाय हीट, इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम की बात करें, फोर्थ प्रोमिनेंट सिम्टम की बात करें, वो सिम्टम है नाइट एग्रीवेशंस। जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो वर्सन हो जाती हैं रात के समय, स्पेशली रात में, कहेंगे मिड नाइट जो टाइम होता है, 1 से 2 बजे का जो टाइम होता है, उस समय पे सारी कंडीशंस जो हैं आर्सेनिक एल्बम पेशेंट की बहुत वर्स हो जाती हैं। सो इस ये कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नाउ इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसकी डिस्चार्जेस। जो आर्सेनिक एल्ब पेशेंट है उसकी डिस्चार्जेस जो हैं बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होते हैं। पहली चीज़, बहुत कैडेवरिक ओडर होता है, बहुत ज़्यादा गंदा सड़ा हुआ जो स्मेल होता है ना, कोई चीज़ सड़ जाती है वो वाली स्मेल इसमें होती है, कैडेवरिक ओडर। और दूसरी चीज़ जो है इसकी पेन्स जो हम कहें, या फिर इसकी जो ओडर कहेंगे, ऑफेंसिव होने के साथ साथ एक्रिड बहुत ज़्यादा होती है। एक्रिड मतलब कि जलन जिसमें बहुत ज़्यादा होती है, हर एक डिस्चार्ज, कहीं से भी कोई भी डिस्चार्ज निकल रहा है वो बहुत ज़्यादा एक्रिड होता है आर्सेनिक एल्ब का। आर्सेनिक एल्ब जो है वो आर्सेनियस एसिड भी है, नाउ ये आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड है, तो आर्सेनियस एसिड होने की वजह से आप इसको याद रख सकते हैं कि जो डिस्चार्जेस है काफ़ी ज़्यादा एक्रिड है, मतलब जलन करते हैं। ये कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसके। हर एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इन्हीं पांचों कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के आसपास सारे सिम्टम्स रोटेट करेंगे तो आप इसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे। इसकी नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंप्लेंट्स फ्रॉम, मतलब कि इसकी कॉजेशन। आर्सेनिक एल्ब जो पेशेंट मिलेगा उनको किस किस चीज़ों से प्रॉब्लम होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं फिजिकल जनरल्स के बारे में बात करने वाली हूँ और मेंटल जनरल्स के बारे में बात करने वाली हूँ। दैट मीन्स मेंटल पिक्चर कैसा होता है, मानसिक रूप से आपको आर्सेनिक एल्ब पेशेंट कैसा मिलेगा, और उसके जितने भी फिजिकल जनरल्स हैं, भूख, प्यास, ये सब जो भी डिटेल्स हैं जो हम केस टेकिंग में लेते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आज की वीडियो में। तो प्लीज़ इसको लास्ट तक देखना ज़रूर आप देखिएगा। हम बात करते हैं कॉजेशन की। अगर हम आर्सेनिक एल्ब पेशेंट को देखते हैं जिसमें उसके चीज़ें जो हैं वर्सन कैसे होती हैं, उसके प्रॉब्लम्स किन किन चीज़ों से होती है,
पहली चीज सी साइड कंप्लेन्स होते हैं इसको, अगर वो सी साइड जाते हैं, नदी किनारे जाते हैं, ओशंस के पास जाते हैं, ऐसे बीचेस के पास जाते हैं, तो इनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि आर्सेनिक गैस सी साइड कंप्लेन्स जो है उसमें आती हैं। अल्कोहलिक अगर कोई है, अल्कोहल लेने से, टबैको च्यूइंग से किसी को कॉजेशन होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम डेवलप करती है, देन आर्सेनिक जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। इसके अलावा अगर हम आर्सेनिक की बात करें तो फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट्स जिनमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि वाटरमेलन हुआ, मतलब तरबूज हुआ, खरबूजा हुआ, खीरा हुआ, इसमें क्योंकि वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इस तरह के फ्रूट से, वेजिटेबल्स से आर्सेनिक पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। एसिड्स लेने से, खट्टी चीज़ें खाने से आर्सेनिक पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अगर संतरा खाया उन्होंने या फिर नींबू लिया, उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे इस तरह की एसिडिक चीज़ों से आर्सेनिक पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम्स डेवलप करती हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको डंक लग जाते हैं, डंक लगने से कोई प्रॉब्लम अराइज कर रहा है तो आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे वूंड्स जिनको काटा हो, जो अगर हम कहेंगे डाइसेक्टिंग वूंड्स, जिनके ऑपरेशन हुआ है या कोई ऐसे कट लगा है, इंसिशन लगाया गया है, ऐसे वूंड्स हो रहे हैं और जिनमें ठीक नहीं हो रहे या फिर उसमें से बहुत ज़्यादा डिस्चार्जेस निकल रहे हैं, जिनकी बहुत सड़ी हुई सी स्मेल है, तो आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करती है। इससे ये बेसिकली कंप्लेंट्स जो है अराइज करें। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप कभी भी कंटामिनेटेड कुछ खा लेते हैं बाहर का, जो बहुत ज़्यादा घर में इसलिए यूज़ होती है कि अगर बाहर का कुछ कंटामिनेटेड खा लिया है, या फिर नॉन वेजिटेरियन जो भी हैं वो नॉन वेज खा लेते हैं और वो फ्रेश नहीं था या फिर उसमें कुछ गड़बड़ है, वो खाने से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो रहे हैं, तो आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करती है। तो इन ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी वजह से आर्सेनिक एल पेशेंट के कंप्लेंट्स जो हैं वो आते हैं। एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी कि आर्सेनिक जो पेशेंट है उसको अगर एनुअली जो है कंप्लेंट्स बढ़ती हैं, बढ़ना मतलब कि हर एक दिक्कत हर साल किसी को बार बार हो रही है, वो रिटर्न कर रही है एनुअली, हर साल होती है सेम कंप्लेंट, आप आर्सेनिक जरूर सोच सकते हैं अगर उसके बाकी सारे फीचर्स आर्सेनिक एल पेशेंट से मिलते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे यहाँ शेयर करूँगी कि अगर कोई अपनी लाइफ के लास्ट जो है दिनों में है, या फिर वो उनकी डेथ बहुत ज़्यादा नज़दीक है और बहुत ज़्यादा पेनफुल डेथ नहीं हो, या फिर उनकी जो है डेथ जो है बहुत ईज से हो जाए, विदाउट पेन हो जाए, कंफर्टेबली हो जाए, इस चीज़ के लिए, जैसे कि कई बार ऐसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं लोग, जैसे कि कैंसर है या बहुत ज़्यादा इस तरह की कोई बीमारी है जिसमें उनको बहुत पेन है और उनकी ईजीली जो है डेथ भी नहीं हो पा रही है, या डेथ बहुत ज़्यादा पेनफुल होने के अगर चांसेस लग रहे हैं, तो आर्सेनिक एक ऐसी वंडरफुल मेडिसिन है होम्योपैथी में, जिसको अगर हाई पोटेंसी में दिया जाए, दैट मीन्स अगर 10 mg में, CM में, इस पोटेंसी में उन्हें एक डोज दिया जाए, तो आर्सेनिक एल में वो कैपेबिलिटी है कि उस पेशेंट की जो डेथ है वो बहुत ज़्यादा ईज के साथ हो जाएगी, बिना किसी पेन के साथ हो जाएगी और सफरिंग बहुत ज़्यादा उनको नहीं होगी। तो आर्सेनिक एल इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ये दो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स आर्सेनिक एल के बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम्स हैं। नाउ हम बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगेगा जब आप आर्सेनिक एल पेशेंट के मेंटल जनरल्स के बारे में बात सुनेंगे। मेंटल जनरल्स की अगर हम बात करें, मानसिक रूप से आर्सेनिक किस तरह का पेशेंट होता है, पहली चीज़ जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में आपको बता दिया था कि बेचैनी और घबराहट के लिए आर्सेनिक एल एक वंडरफुल मेडिसिन है। तो बेचैनी और घबराहट, ऐसे पेशेंट्स जिनमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, बहुत हर समय घबराहट होती रहती है, वो एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाते हैं, बार बार जगह चेंज करना, और फिर क्योंकि आर्सेनिक एल पेशेंट की जो दिक्कत है वो मिडनाइट वर्स हो जाती है, रात को वर्स होती है, तो बार बार बेड पे करवट चेंज करना या फिर प्लेस चेंज करते रहना, एक जगह लेटना फिर दूसरी जगह जाके लेटना, इसी होप में कि कहीं तो उसको चैन हो जाए, कि कहीं तो उसको आराम से नींद आ जाए, बट ये चीज़ बिल्कुल उसको नहीं होती है। बहुत ज़्यादा डर, फियर, फुल ऑफ फियर्स है।
फियर अकेले रहने का डर है, डेथ का बहुत ज़्यादा डर है, अकेले नहीं रह सकते, मर जाएंगे इस चीज़ का डर लगता है, उनको ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा डिटर्मेंड होती है कि इनकी जो डिसीज़ है, जो भी प्रॉब्लम उनको हुई है वो इनक्योरेबल है, वो चीज़ उसके दिमाग में सेट हो जाती है। आर्सेनिक पेशेंट हमेशा अपने ट्रीटमेंट के लिए भी मना कर देगा, वो कहेगा कि उसकी डिसीज़ जो है वो इनक्योरेबल तो है ही, वो ठीक नहीं हो सकता कभी भी, और ये दवाइयाँ लेना ये सब यूजलेस है। तो अगर इस तरह का ये स्टेटमेंट अगर आप किसी पेशेंट के मुँह से सुनते हैं, डेफिनेटली आर्सेनिक पेशेंट है। और इसी चीज़ को हम कहीं ना कहीं एकोनाइट के साथ भी कंपेयर करते हैं, बिकॉज एकोनाइट में भी काफ़ी रेस्टलेसनेस है, एकोनाइट भी घबराहट के लिए दी जाती है। और एकोनाइट की जो वीडियो है, ड्रग पिक्चर कंप्लीट, वो जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था बिल्कुल इनिशियल डेज में मैंने वो ड्रग पिक्चर अपलोड की थी, मैं लिंक आपके साथ शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। एकोनाइट पेशेंट में भी यही सब चीज़ें कुछ हद तक होती है, लेकिन वो अपना ट्रीटमेंट ज़रूर कराता है, उसको ये फीलिंग नहीं होती कि वो उसका डिजीज़ ठीक नहीं होगा। बट आर्सेनिक पेशेंट इज़ वेरी मच डिटरमिन्ड कि उसकी जो डिसीज़ है वो ठीक नहीं होने वाली है, वो बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम करेगी, इनक्योरेबल है, तो वो ट्रीटमेंट भी नहीं लेता। उसको डेथ का बहुत ज़्यादा डर होता है, स्पेशली उसे लगता है उसको कोई चाकू से मार देगा, नाइफ से उसको कोई मार देगा, बहुत सारे तरह के हैलुसिनेशंस होते हैं। हैलुसिनेशन किसी चीज़ को देखकर लगता है कि वो कुछ और है, डरावनी चीज़ें दिखती हैं, जबकि वहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं। कोई चीज़ को देख लिया, कोई चीज़ को सूंघ लिया, तो वो चीज़ दूसरी तरह से स्मेल उन्हें लगती है, लेकिन वो होती कुछ और चीज़ है। तो इस चीज़ से, इन बातों से उसका डर जो है, उसकी बेचैनी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बेचैनी घबराहट बहुत ज़्यादा है, तो पेशेंट एक जगह नहीं टिकता, हर बार बार अपनी जो प्लेस है वो चेंज करता रहता है, करवटें बदलता रहता है। आर्सेनिक पेशेंट, जैसे मैंने आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर में भी बताया कि प्रोस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, थकावट बहुत ज़्यादा होती है, पेशेंट को पर्सनली इतना फील नहीं होगा। आर्सेनिक पेशेंट अगर लेटा रहेगा तो उसको ये चीज़ का रियलाइजेशन ही नहीं होगा कि उसको इतनी वीकनेस है। द मोमेंट वो चलना स्टार्ट करते हैं तो उनको तब रियलाइज़ होता है कि अरे वो बहुत ज़्यादा वीक हैं फ्रॉम इनसाइड। ये चीज़ का रियलाइजेशन ही उन्हें मूव करते वक्त होता है, अदरवाइज व्हेन ही इज़ लाइंग स्टिल ही डजंट रियलाइज दैट द प्रोस्ट्रेशन इज एट दैट लेवल, इज टू दैट लेवल कि वो मूव भी नहीं कर सकते हैं। नाउ आर्सेनिक पेशेंट इज वेरी मच फास्टिडियस, आर्सेनिक बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होता है सफाई का भी, साथ ही साथ चीज़ों को बहुत करेक्ट प्लेस करने का। अगर ये पेन सीधा रखा था पहले और आप इसको उठाकर टेढ़ा रख देते हैं तो वो चीज़ भी वो बेयर नहीं करेगा जब तक कि उसको बिल्कुल सीधा नहीं रख देगा। अगर दीवारों पे जो वॉल फ्रेम्स हैं वो थोड़े भी टेढ़े हैं तो पेशेंट को तब तक वो बेचैनी होती रहेगी जब तक वो उसको बिल्कुल सीधा नहीं लगा देगा। तो ये चीज़ आप कई पेशेंट्स में देखते होंगे, ये आर्सेनिक का बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। आर्सेनिक सफाई को लेके, क्लिनलीनेस को लेकर, परफेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होते हैं। आर्सेनिक पेशेंट की अगर हम बात करें तो मेंटली इज मच फ्रीजिंग, लाइक कितनी भी चीज़ें उड़ा लो, कितनी भी चीज़ें पहना लो, वो वॉर्म्थ नहीं अंदर से आता है। मेंटली भी बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग, स्टिफ होते हैं, ठंडे होते हैं, और उन्हें कितना भी रैप अप करो उन्हें वो जो वॉर्म्थ है वो फील नहीं होती है। आर्सेनिक पेशेंट जो है एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है टू द साइट, टू द स्मेल, चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो मिड डे मिड नाइट एग्रेवेशन, सारी दिक्कतें स्पेशली मेंटल जितनी भी मानसिक जितनी दिक्कतें हैं वो सारी रात के समय या दोपहर के 1 से 2 बजे या फिर रात के 1 से 2 बजे बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती हैं। तो मिड नाइट अगर किसी को बहुत प्रॉब्लम्स वर्स हो रही हैं तो आर्सेनिक अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। अब हम बात करते हैं फिजिकल जनरल्स के बारे में। फिजिकल जनरल्स में आपसे क्विकली शेयर करूंगी द वे हम केस टेकिंग में लेते हैं। जैसे अगर सबसे पहले बात करें एपेटाइट की, भूख की, तो भूख में बहुत ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है आर्सेनिक की, लेकिन आर्सेनिक अगर कुछ भी थोड़ा खाता है या पीता है तो उसके गैस्ट्रिक इश्यूज़ बहुत डेवलप होते हैं, जो लेटर ऑन मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्या क्या गैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं। पर थोड़ा सा भी खाने से, थोड़ा सा भी कुछ पीने से उनको पेट की दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं, वॉमिटिंग हुआ, नौसिया हुआ, कुछ भी देखना, खाना स्मेल करना भी बहुत ज़्यादा इनटॉलरेबल लगता है। अगर हम बात करें प्यास की, आर्सेनिक पेशेंट को बहुत प्यास लगती है, एंड प्यास में हमेशा हमें फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी है कि जो पेशेंट है वो किस तरह से पानी पी रहा है, लार्ज क्वांटिटीज़ है, थोड़े थोड़े इंटरवल में ले रहा है, या लंबे समय तक पानी नहीं पीता फिर इकट्ठा बहुत सारा पीता है, या फिर पेशेंट जो है थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पानी पीता है थोड़ी थोड़ी देर में। तो वो जो सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं दैट्स आर्सेनिक पेशेंट, लिटिल क्वांटिटी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में वो पीते हैं, इतनी उनकी थर्स्ट होती है।
अब हम बात करते हैं डिज़ायर की, उनको खाने में क्या पसंद होता है। इसको खट्टी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, बट खट्टी चीज़ें उसकी इनटॉलरेंस भी है, खट्टी चीज़ों से डेवलप होती हैं प्रॉब्लम्स। तो खट्टी चीज़ें पसंद होती हैं, कॉफ़ी पसंद होती है, मिल्क बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर हम बात करें इनटॉलरेंस की या एवर्शन की, जो चीज़ों से उनको दिक्कत होती है वो अगेन खट्टी चीज़ें हैं, विनेगर है, सिरका है, वाटरमेलन, खरबूजा, जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि ये वाटरी जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उनको लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं। ठंडा पानी, बर्फ़ वाला पानी लेकर, आइसक्रीम लेकर, कोल्ड चीज़ें, अचानक से अगर कोल्ड फूड ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, तो प्रॉब्लम डेवलप होती है। तो इस चीज़ों के लिए इनटॉलरेंस है आर्सेनिक पेशेंट को। आर्सेनिक पेशेंट की अगर हम स्टूल यूरिन की बात करें, मतलब कि पेट मोशंस कैसे रहते हैं, तो आर्सेनिक ज़्यादा जो है कॉलेरा, डायरिया, ऐसे सिम्टम्स जो हैं डेवलप करती है, जिसमें स्टूल्स जो हैं सिंपल वॉटरी भी हो सकते हैं, ब्लडी स्टूल्स भी हो सकते हैं। डिसेंट्री में बहुत ज़्यादा म्यूकस, बहुत ज़्यादा ब्लड आने लगता है, कई बार हेमरॉइड्स तक डेवलप हो जाते हैं, जिसमें जलन वाला दर्द होता है, बर्निंग पेन होती है। यूरिन जो है, यूरिन में अगर आपको बर्निंग है, और दूसरी चीज़ अगर आप यूरिन का रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी कराते हैं, उसमें आपको एपिथेलियल सेल्स मिल रहे हैं, पस सेल्स मिल रहे हैं, ब्लड जो है उसके कंटेंट मिल रहे हैं, एल्ब्यूमिन मिल रहा है, और पेशेंट को अगर डायबिटीज़ है, तो ये सब चीज़ों से रिलेट करता हुआ आर्सेनिक का जो है यूरिन के सिम्टम्स डेवलप होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक ऑफ स्वेट, अगर हम पसीने की बात करें, तो बेचैनी और घबराहट जब होती है आर्सेनिक पेशेंट को, बहुत ज़्यादा पसीना उस समय पर आता है, बहुत ज़्यादा स्वेट करता है। अदरवाइज इसके स्वेट के बारे में मैं आगे भी आपसे अच्छे से डिस्कस करूँगी किस तरह का स्वेट होता है। अगर हम बात करें स्लीप की, स्लीप पैटर्न्स एंड ड्रीम की, तो नींद जो है इसको बहुत आती है, लेकिन जब भी आती है तो बहुत ही ज़्यादा फियरफुल ड्रीम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा डरावने सपने होते हैं। हमेशा आर्सेनिक पेशेंट थोड़ा सा ऊंचा तकिया रख के सोना पसंद करता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ गर्दन होती है, पिलोज लगे होते हैं, और नींद बहुत ज़्यादा जो है साउंड स्लीप आती है, बट वो रेस्टलेसनेस की वजह से उसको नींद आ नहीं पाती। ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है आर्सेनिक एल्ब की स्लीप के। नाउ विद दिस पर्टिकुलर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे डिजीज़ आपको बताऊंगी जिसमें कि आर्सेनिक आप दे सकते हैं, किस पोटेंसी में आप दे सकते हैं, और क्या क्या पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं जिसके लिए मैं भी इस मेडिसिन को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब करती हूँ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो, कितनी हेल्पफुल रही आपके लिए। स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विद होम्योपैथी। बाय बाय।